हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके एक और स्माइली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में कुशल मंगल होंगे। टाइम हो गया है 5:30 और मैं 4:30 बजे की उठी हुई। रीज़न इज़ दैट कि स्कूल खुल चुके हैं तो वही रूटीन शुरू हो जाएगा और बच्चों के अभी 1 तारीख से खुलेंगे। सो बच्चे सो रहे हैं और सुबह उठने का बिल्कुल मूड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कल ये हरिद्वार से आए थे, आते बहुत सारा काम भी हो गया था। बट सबके काम तो काम होता है, करना ही होता है। तो बस अभी झाड़ू निकाल चुकी हूँ, डस्टिंग कर चुकी हूँ, चाय पी चुकी हूँ, भी लगाऊंगी पोछा और उसके बाद नाश्ते की तैयारी करूँगी क्योंकि टाइमिंग 9 बजे की है। तो उससे पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले रेडी होना पड़ता मुझे। मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये हो रही भी नाश्ते की तैयारी। अभी नाश्ते में आज दही और रोटी लूँगी, और कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं है। हस्बैंड नहा रहे हैं तो जब तक नाश्ता बना लेती हूँ। ये मेरा नाश्ता, दही और रोटी और मैं हो चुके हो रेडी। बच्चों भी सो रहे हैं, सुबह मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करके फिर मैं जामुन देखो पेड़ की ना इतनी बड़ी बड़ी देखी कि मोटी मोटी पड़ रही टूट के। चलो भाई अभी चल रहे हैं स्कूल। क्यों गया? हमने दिया खुशी था एक गिफ्ट, टॉमी की टी शर्ट, मतलब अभी इसका गिफ्ट रहता है ड्यू। और एक जार भी दिया, वो जार उधर रखे है, यहाँ दिखाते देती है। मरते तो दिखा देती है। हैं, हमने गिफ्ट दिया था ना, मारते ना दिखाया, चोरी गलत बात। सेम ही तो है मम्मी, फोन मिले वैसा ही। एक जार दिया और एक ये जार नहीं दिया हमने, जार जार दिया और एक ये दिया है। प्रिंट रेट पे ही थी यार, पेन करना देख कि तू आठ कॉपी ना नहीं निकल नहीं तेरे यहाँ जगह पाई देखियो कि तू बैठ कॉपी है। ठीक से शांति मिलनी चाहिए। तेरे पापा ठीक का धाड़ा गद्दी लगवानी चाहिए थी। हमारे चले वो हमारा गद्दी देख देख कौन लाग जाता रहे थोड़ी ये तलाक करा के इतना जब गद्दी लाएगी नहीं भी बट थोड़ा बस आ रहा है। मेरी माँ ने लिखा था डॉक्टर का, इसका हो रही है अगर इलाज हो रही है मैम बस सकता है कि अगर इलाज हो रही है अगर नहीं तो नहीं डॉक्टर देख के बताओ। आज मैं और मनीष रहे हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। और एज यूजुअल यहाँ से हमें ई रिक्शा लेनी पड़ती है तो हम बैठ गए ई रिक्शा में क्योंकि हमें अपनी शॉपिंग करनी है। थोड़ी सी चप्पलों की, बस चप्पलें लेनी शॉपिंग। हाँ, और साथ में माता जी ने डॉक्टर के लेके गए थे, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैंने फलूदा ली, खुशी ने टिक्की खाई, चटोरी। शॉपिंग करने के बाद भूख लगाई दोनों को। थोड़ी आइसक्रीम खा ली बेटे, स्पाइसी लग रही। आइसक्रीम ले ली थोड़ी सी, कुछ और खाना हो तो खुशी बता दिए है ना, मन हो तो बता दिए कुछ खाना। छोरी का इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, बर्ड देख बर्थडे। पापा देखो, आप लोग कहते हो 10 दिन पहले करनी शुरू करेंगे, तो अब तो 10 दिन क्या, मैंने उसके 4 दिन बाद धू निकाल दिए। अच्छा चलो आपके बर्थडे की बात कर लेते हैं। ऐसे चिक 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 करेगी ये लड़की। मम्मी पापा बाहर गए हुए थे तो मैंने मंगवाया था ढोकला, क्योंकि आज मेरा हो रहा था ढोकला खाने का मन। क्योंकि दिन में मैंने धनिया देख लिया था और धनिया से इस जैसी खुशबू आ रही थी, तो एकदम से मेरा ढोकला खाने का मन हो गया सडनली। और किचन में मम्मी काम लगी हुई है, मतलब सब्जी वगैरह की तैयारी कर रही है। मैं देखती हूँ रोटी शायद ही खाऊँगी या ना खाऊँ, इट डिपेंड्स। और मैंने अभी टीवी चला लिया तो अभी देखते हैं हम टीवी पे क्या देखेंगे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं खाते क्या देखती हूँ। जो भी हमने खाना खुना खा लिया और हम जा रहे हैं वॉक करने, वॉक करके आएंगे। और शनिवार पीपल में दीवार लगा के आएंगे। अच्छा कितनी बुढ़ी हो रही है,
अच्छी गादड़ी सी होती है तो मैं जानना वाला तो ये इतनी जवान हो जाएगी कि ये जवानों को भी फेल कर देंगी और जब इन्हें कुछ कह दो ना ढंग की चीज की तब ये बूढ़े हो जाते हैं। देख लो यहाँ जोत लगाने आए थे, आज सैटरडे है तो पीपल पे लगाने आते हैं जोत। बस ही आ रहा है आगे से। साथ में आई नानी, साथ में आई हमारी खुशी, छोटे साइज वाली खुशी। हवा चल रही है ना। जय हो। मम्मी का योगा सर, अरे मम्मी का योगा टीचर, उसका कुछ नाम होगा अनुभव सिंह बसी ने, स्टैंड अप कॉमेडियन, उसका पतला वर्जन लगता जो मैं दिखतो मुंह दिखतो दाढ़ी। इतना हैवी नाश्ता हो गया था है, और मन्नत ने तो कॉफी और ब्रेड लिए थे। इधर चल रहा है बिग बॉस और मेरा काम रहता है बिग बॉस, मेरा ना करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अब मजे ले। अब हम व्लॉग बना रहे हैं बहुत ही घंटों बाद कह सकते हैं ना। हाँ बहुत ही घंटों बाद, 12 बजने वाले रात के। देखो हम खाना वाना खा लिया था दिन में, फिर हम गए थे मार्केट। क्या काम गए थे मार्केट और शॉपिंग गए थे, और एक और काम है वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में कर देंगे क्योंकि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। नहीं, हम आने वाले दिनों में रिवील कर देंगे जो काम गए थे। और यहाँ पे चल रहा है काम और रात के 12 बजने वाले हैं, अब खुद देख लो 12 बजने वाले, ठीक है। और टीवी तो चलाए हुए, टीवी का यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। मम्मी कट करेगी, मुझसे कट नहीं होता है। पूरी एक चार्ट तो हमने बना लिया, देखो गाइस कितना प्यारा बना है, चेक करो। इसमें मेरी भी मेहनत है, मेरी तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत है, मैंने तो सिर्फ चिपकाया है। बट स्टिल अभी हम